चलिए आज की एक और बड़ी खबर। दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जेल में उनके मसाज का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से अब इस पर सियासत तेज हो गई है। हरिनगर थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता और सिरसा की अगुवाई में थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता सत्येंद्र जैन और जेल के अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया और जिसमें ये कहा गया कि भाई सत्येंद्र जैन जेल में बंद है लेकिन वो वहां पर मसाज करवा रहे हैं। और तीन वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और उन तीन वीडियो के आधार पर अब सियासत हो रही है। आप देखिए किस तरीके से ये मसाज उनका वहां पर जेल के अंदर किया जा रहा है। इसी को लेकर अब बीजेपी के नेता थाने पहुंचे हैं हरिनगर और वो शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं जेल अधिकारियों की और सत्येंद्र जैन की, भाई जेल के अंदर रहते हुए उनको इस तरह की सुविधा कैसे मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा वो फुल बॉडी मसाज करवा रहे हैं। तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर खोलेगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। गए हैं जो लोगों ने रिश्वतों का करोड़ों रुपया इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनाया, उसके लिए वीवीआईपी फैसिलिटीज जेल में दी गई। अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक चुनाव में बोल रहे थे कि देखो जी, यहाँ तो नेताओं को जेलों के अंदर वीआईपी फैसिलिटीज दी जाती हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री सत्येंद्र जैन, जिसने दिल्ली में जो रिश्वत के पैसे इकट्ठे किए, घोटालों के पैसे इकट्ठे किए, ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल को जेल के अंदर फाइव स्टार वाली फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसको पांच पांच लोग उसको इंटरटेन करने के लिए बुलाए गए हैं, एक आदमी उनके आप देखिए पढ़कर उनको गजलें सुना रहा है, अंदर उनको गजलें सुना रहा है, उनको शेरा शायरी कर रहा है एक आदमी, दूसरा उनके पैर दबा रहा है, तीसरा उनका सिर दबा रहा है, चौथा उनकी मसाज कर रहा है, टीवी चैनल चल रहा है, मोबाइल चार्जर लगे हुए हैं और ये जेल है। हम गवर्नर साहब और राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने कमाऊ पूत को मंत्री पद से नहीं हटा रहा, इसलिए अब वो बांधे हैं इस पे मजबूरी से, इसको बर्खास्त किया जाए ऐसे मंत्री को, यह हम मांग गवर्नर साहब से भी और राष्ट्रपति जी से भी करेंगे। और देखिए सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जेल का वीडियो बाहर कैसे आया ये आप सवाल खड़े कर रही है। निजता पर उतर आई है बीजेपी, ये आपकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी बीमार पर क्रूर मजाक कर रही है, बीमार कोई भी हो सकता है, ये भी आम आदमी पार्टी ने कहा। सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी आप जेल में गिनने की वजह से जेल जैन को चोट लगी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। और इन सब के पीछे एक और बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ साफ कर दिया, डिप्टी सीएम ने कह दिया कि भाई जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बिल्कुल नहीं हटाएंगे। बीजेपी मनोहर कहानियां जो गढ़ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव में हार की वजह से ये वीडियो ये है और इस पर बीजेपी सियासत कर रही है और जैन को हम मंत्री पद से तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ये साफ कर दिया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से। किसी आदमी को थेरेपी दी जा रही है, वहां से आप वीडियो निकाल के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक बनाते हो, इससे घटिया राजनीति देश में क्या हो सकती है? ये बीजेपी की मनोहर कहानियों से ऐसे मंत्री। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये तस्वीरें आई कि मसाज किया जा रहा है उनका, फुट मसाज, हेड मसाज, और इसके बाद से अब बीजेपी हमलावर है, करे भाई ये जेल में बंद है लेकिन जेल में उनको इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और जिस बैरक में है वहां पर आप देखिए सारी व्यवस्था है, वहां पर बेड लगा हुआ है, बिस्लरी की बोतल है, सारी व्यवस्था की गई। ये बीजेपी सवाल कर रही भाई ये कौन सा जेल है और ये किस तरह की सुविधा वहां पर दी जा रही है। कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी
कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने की हद तक उतर आई होगी। कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है, लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है, दूसरा उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।